आदमगढ़ जिले में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के प्रोफेसर विजेंद्र सिंह एवं प्रसार निदेशक डॉक्टर एपी राव के निर्देशन में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेलगावी कर्नाटक में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त के हस्तांतरण का सजीव प्रसारण किसान एवं किसान महिलाओं को किया गया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल ने प्रधानमंत्री को जननायक की संगत देते हुए देश के सर्वोन्मुखी विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहने वाला बताया। जिला उपाध्यक्ष भाजपा ब्रजेश यादव ने रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने एवं खाने में श्री अन्नों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में रणविजय सिंह ने देसी गौ पालन एवं विपिन बिहारी ने मशरूम उत्पादन, डॉक्टर रणधीर नायक वरिष्ठ वैज्ञानिक के वी के ने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत चर्चा की। वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा अपने विभाग से संबंधित तकनीकियों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। नहीं होगी तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं, हमारे बच्चे उनके बाद की पीढ़ी सब कृषि से लाभान्वित होंगे, इसलिए हमें पूरी कोशिश करके कम लागत की अधिक उत्पादन वाली खेती के तरफ जुड़ना चाहिए। कम लागत की खेती जो श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, वो शक्तिवर्धक भी है और सही मायने में वो ज्ञानवर्धक भी है। अब ज्ञानवर्धक नहीं होता तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम आजमगढ़ में, और दुर्वासा ऋषि का भोजन क्या था, जंगलों में रहते थे तो धान गेहूं तो होते नहीं थे, वही कंदमूल खाना और गाय का दूध पीना, यही उनके जीवन का हिस्सा था। और सभी ऋषि ऐसा किए, एक समय तो कहा गया कि भगवान राम वनवास के समय कंदमूल फल खा करके जंगलों में जीवित रहे। देशों में उस खेती के उत्पादन होते हैं, आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में हैं, आज कर्नाटक का जो जिस हिस्से में है वहां, और बेलगाम से जुड़ा जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहां भी ये मोटे अनाज श्री अन्न अनाज की खेती होती है। मोटा अनाज इसलिए कहा जा रहा है कि आप जल्दी समझ जाएंगे, वैसे यूरोप के लोग, दुनिया के और देशों के लोग इसको मिलेट्स कहते हैं। कोई सावा, कोदो, टामून, मरुआ, रागी, काकून, मक्का, बाजरा, ये सब कहेंगे। और यही जो अनाज है ये स्वास्थ्यवर्धक है, जो विटामिन की गोली आप खाते हैं, हर आदमी खा रहा आजकल, डॉक्टर ने विटामिन की गोली लिख दिया। आपके घर में गाय है और आप दही खाते हैं, कैसे आएगा उसके लिए गाय भैंस।